नमस्कार दोस्तों, ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने मॉडल पेपर की तीसरी सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो चलो दोस्तों, समय न बर्बाद करते हुए अपनी प्रैक्टिस पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन, लास्ट वार वाज ऑफ किंग अशोका वाज, सम्राट अशोक ने अपना अंतिम युद्ध कौन सा किया था? दोस्तों, ऑप्शन हैं बैटिल ऑफ कलिंगा, कलिंग का युद्ध, बैटिल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, बैटिल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध, या बैटिल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध। तो दोस्तों, आपको सभी को पता है कि कलिंग का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसके बाद अशोक ने लड़ाई करना छोड़ दिया था और अहिंसा को अपनाया था और बुद्ध की शरण में चले गए थे। तो फिर सही आंसर होगा आपका कलिंग का युद्ध, बैटिल ऑफ कलिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों, जो सबसे गहरा महासागर है वो है पैसिफिक ओशन, जिसको प्रशांत महासागर भी कहा जाता है हिंदी में। अगला क्वेश्चन, बस्तर इज लोकेटेड इन विच स्टेट, बस्तर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, जो बस्तर है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला सवाल, विच रिवर इज कॉल्ड एज सिंघी खम्बन इन तिब्बत, किस नदी को तिब्बत में सिंघी खम्बन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है इंडस रिवर, जिसको सिंधु नदी भी कहा जाता है। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप इज रिलेटेड टू हिच स्पोर्ट, इंदिरा गांधी गोल्ड कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, ये हॉकी से संबंधित है। अगला सवाल है, व्हाट इज टेन्योर ऑफ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है? जो भी एक मेंबर होता है, चुना जाता है राज्यसभा के लिए, उसका कितना समय होता है? तो दोस्तों, इसका है समय 6 साल। अगला सवाल है, पेले इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, दोस्तों आप लोगों को पता है पेले का नाम काफ़ी फेमस है, ब्राज़ील के एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो ये जो है जिस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, ये है फुटबॉल। अगला सवाल है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेटेड, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में USA के अंदर, अमेरिका के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विच प्लेस इज रिलेटेड टू रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की जो क्रांति हुई थी वो क्रांति से कौन सा स्थान रिलेटेड है? तो दोस्तों, आपको पता है कि सबसे पहले जो क्रांति 1857 की होती थी तो हुई थी वो मेरठ कैंट में हुई थी, तो इसलिए सही जवाब है मेरठ। अगला सवाल है, हु वाज फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज, भारत का पहला कौन व्यक्ति था जिसने नोबल पुरस्कार जीता था? तो दोस्तों, ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, डैश इज स्टेट कैपिटल ऑफ गोवा, गोवा की राजधानी ये है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है पणजी, पंजिम जिसको भी बोला जाता है, तो ये पणजी जो है वो गोवा का कैपिटल है। अगला सवाल है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये है दोस्तों नर्मदा नदी। अगला सवाल है, विच कंट्री सेंड मैन ऑन मून फर्स्ट, ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले चंद्रमा पर अपना व्यक्ति भेजा? तो दोस्तों, ये है USA, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसने सबसे पहले अपना व्यक्ति चंद्रमा पर भेजा था। अगला सवाल है, हाउ मैनी मेंबर्स वेयर देयर इन ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान बना था उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी, जो सबसे पहले उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था, प्रारूप तैयार किया गया था, उसमें टोटल कितने मेंबर थे? तो दोस्तों, जो है इसके अंदर टोटल 7 मेंबर थे। अगला सवाल है, इन विच स्टेट जोधपुर लोकेटेड, जोधपुर जो शहर है वो किस राज्य के अंदर स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है राजस्थान। अगला सवाल है, टू ग्रो ए प्लांट इन सॉइल इट इज नेसेसरी टू हैव, दोस्तों इसका मतलब ये है कि कोई एक पौधा अगर उसको जमीन के अंदर उसको उगाना है तो सबसे आवश्यक जो चीज़ है वो क्या है? तो दोस्तों, ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना पौधा जो है कभी भी नहीं उगेगा। अगला सवाल है, द फार्मूला ऑफ H2O2 इज,
H2O2 जो फार्मूला है वो किसका है? तो दोस्तों ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला H2O2 होता है। अगला सवाल है रेबीज इज कॉज्ड बाई, रेबीज बीमारी जो है वो किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है कुत्ते के काटने से, डॉग बाइट। अगला सवाल है व्हाट आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हुज बॉडीज आर डिफरेंट फ्रॉम देम? दोस्तों वो कैसे, कौन कौन से एटम हैं जो कि सेम एलिमेंट के हैं लेकिन उनकी बॉडीज अलग अलग हैं? तो दोस्तों जो है इसको आइसोटोप्स बोला जाता है। जिस आइसोटोप वो होते हैं दोस्तों एटम्स जिसके अंदर प्रोटॉन की मात्रा बराबर होती है, इसमें न्यूट्रॉन की मात्रा कम या ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनका वेट और इनका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। तो ये आइसोटोप्स हैं। जैसे यूरेनियम आपने सुना होगा, यूरेनियम के कई सारे, थोरियम, यूरेनियम, डिप्थीरियम, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे टाइप के दोस्तों बहुत सारे आइसोटोप हैं इसके, यूरेनियम के। तो इसी तरह से बहुत सारे होते हैं एटम जिनके आइसोटोप्स होते हैं। अगला सवाल है विच इज द लाइटेस्ट गैस, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो दोस्तों ये है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट यूज्ड मेटल इन इलेक्ट्रिक वायर्स, ऐसा कौन सा मेटल है जो इलेक्ट्रिक वायर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों ये है कॉपर। अगला सवाल, व्हाट इज मिक्सचर ऑफ टू आर मोर मेटल्स कॉल्ड, दो या ज़्यादा मेटल को जो मिक्स किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है एलॉय। अगला सवाल दोस्तों, सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, सलाइवा जो है, जो हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होती, लार जो होती है, वो किस चीज़ के डाइजेशन में मदद करती है? तो दोस्तों इसका जवाब है फाइबर, स्टार्च, स्टार्च और फाइबर को जो है सलाइवा पचाने में मदद करता है। दोस्तों अगला सवाल है इन आवर बॉडी लिगमेंट कनेक्ट्स, हमारे जो है बॉडी में लिगमेंट होते हैं जो इनको स्नायु कहा जाता है हिंदी में, ये हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ें जोड़ते हैं? तो दोस्तों लिगमेंट जो क्या होता है, बोन टू बोन या हड्डी से हड्डी को कनेक्ट करता है। अगला सवाल, अर्थक्वेक इंटेंसिटी इज मेजर्ड एट, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी किस पे मेजरमेंट किया जाता है? तो दोस्तों ये जो है रिचर स्टेट स्केल के ऊपर मेजरमेंट किया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, इन विच एनिमल क्लास डू स्नैक्स बिलोंग, जो स्नैक्स होते हैं वो कौन से एनिमल क्लास में इनको रखा जाता है, वर्गीकृत किया गया है? तो फिर दोस्तों ये है रेप्टाइल या सरीसृप वर्ग, रेप्टाइल इनको कहा जाता है। दोस्तों अगला सवाल है बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, इसमें जो है कौन सी डिजीज है जो वायरस की वजह से होती है? तो वायरस की वजह से दोस्तों हमारे को कोल्ड होता है, तो कोल्ड जो है करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल ड्यू टू विच ग्लैंड, हमारे शरीर में ऐसी कौन सी ग्लैंड है, ग्रंथि है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाता है? तो दोस्तों वो ग्रंथि है हमारी एड्रेनल ग्लैंड। अगला सवाल, विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन थर्मामीटर, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों थर्मामीटर में मर्कुरी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे टेम्परेचर के साथ साथ एक्सपेंड होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है और ऊपर की तरफ जाता है और हमें रीडिंग देता है कि हमारा टेम्परेचर इतना है। अगला सवाल है, इफ द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल 88 मीटर फाइंड इट्स रेडियस, तो दोस्तों इसमें सरकमफेरेंस 88 मीटर दिया गया है, इसका रेडियस निकालना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 14 मीटर और इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे सर्कमफेरेंस सर्विस का 2πr फार्मूले से निकाला जाएगा, तो 88 इज इक्वल टू 2πr, जब इसको सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू जो है 14 मीटर आ जाएगी। अगला सवाल है, सॉल्व 1/6 प्लस 2/3 प्लस 4/5, तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे अगर तो इसको जो है पहले आपको 6, 3 और 5 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालने के बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसका जो है 30 आ जाएगा और उसके बाद इसको सॉल्व इस तरह से करेंगे, देखो एलसीएम 30 आ गया तो इसको जो है सॉल्व कर देंगे तो फिर उसके बाद इसका जो आंसर आएगा वो है 49/30, तो हमारा ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, फिल द ब्लैंक्स, 1, 5, 7
-11। दोस्तों एक सीरीज को दिखाता है, 1 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद फिर जो है आगे क्या आएगा, तो फिर इसमें जो है इस सीरीज को पूरा करने के लिए 9 जो है नेक्स्ट आएगा। अगला सवाल है, व्हाट विल बी सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 95 डिग्रीज। तो 95 जो डिग्री है उसका जो है सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब दोस्तों हो जाता है कि उसका जो अपोजिट एंगल होता है वो कौन सा होगा। तो फिर इसमें जो है 95 का जो है आंसर है 85 डिग्री। इसको दोस्तों ये ऐसे निकाला जाएगा, 180 डिग्री से जब 95 को माइनस करेंगे, जिसका भी सप्लीमेंट्री निकाला होता है उसको 180 से प्लस या माइनस करने से वो जो है निकल जाती है। व्हाट इज फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ए सर्किल। तो दोस्तों एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला इसमें पूछा गया है, ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर, ब्रेबो इज पाई आर स्क्वायर एच, सी है 2 पाई आर स्क्वायर, डी है 2 पाई आर। तो दोस्तों जो है फार्मूला सर्किल का जो है इसमें पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ 84 पर्सन टूगेदर कम्प्लीट ए वर्क इन 17 डेज, देन इन हाउ मैनी डेज कैन द सेम वर्क बी कम्प्लीटेड बाई 119 पर्सन। दोस्तों इसमें ये कह रहे हैं कि 84 पर्सन अगर किसी काम को करते हैं तो वो 17 दिन में पूरा होता है, तो फिर जो है कितने दिन में जो है उसी काम को कम्प्लीट 119 आदमी करेंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 12। इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा, जब 84 पर्सन जो है कम्प्लीट 17 दिन में करते हैं तो 1 पर्सन कम्प्लीट करेगा 84/17, इसलिए 119 पर्सन करेंगे 84 × 17/119। तो ये टोटल सॉल्व करने के बाद दोस्तों 12 डेज आ जाता है। इसको आप अपने पेपर और उसमें जो है बुक के अंदर कॉपी के अंदर इसको सॉल्व करके ज़रूर चेक करें। जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चन हैं इनको सबको दोस्तों सॉल्व करना और अच्छी तरह से उसको जो है आप इत्मीनान कर लेना कि मेरा जवाब सही है। अगला क्वेश्चन है, सॉल्व 43% ऑफ 2750 माइनस 38% ऑफ 2990। दोस्तों इनका जो है 43% 2750 का जब निकालेंगे उसमें से माइनस करेंगे 38, तो सही जवाब आएगा 46.3। तो दोस्तों इसको सॉल्व इस तरह से किया जाएगा, 43% का मतलब होता है 43 × 2750/100 और माइनस 38% जो है 38/100 × 2990, तो ये 46.3 आ गया। अगला क्वेश्चन है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 18, 45 एंड 72। तो दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा होना है। तो फिर इसको दोस्तों जो है सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 9 जो है, क्योंकि 9 × 2 = 18 और 9 × 5 = 45 एंड 9 × 8 = 72, तो इसलिए जो है 9 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 13/91। तो दोस्तों जो है 13/91 का अपोजिट क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, तो यही जो है पूछा गया है। तो उल्टा करने के लिए दोस्तों इसको 91/13 अगर उल्टा करेंगे तो फिर इसको जो है क्या आंसर आएगा वही करेक्ट होगा। तो इसलिए अगर 91/13 करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 आंसर आ जाएगा। देखो इसी तरह से इसमें सॉल्व करके भी बताया गया है। अगला क्वेश्चन, इफ द हाइट ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड वॉल्यूम। किसी जो है सर्कुलर सिलेंडर की जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है और उसका बेस का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है। तो फिर दोस्तों जो है इसके अंदर जो है इसको सॉल्व करेंगे 2310 cm² आएगा। अभी आपको पता है कि सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच के फार्मूले से निकाला जाता है, तो फिर 22/7 जो पाई की वैल्यू होती है × 7² और जो रेडियस है 7 है और एच जो उसकी हाइट है वॉल्यूम हाइट है सिलेंडर की 15, तो इसको सॉल्व करने के बाद 2310 cm² आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ 1 ईयर एट द रेट ऑफ 2% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹13,000। दोस्तों 13,000 रुपीज़ के ऊपर एक सिंपल इंटरेस्ट से अगर 2% के इंटरेस्ट के साथ जो है एनुअल इंटरेस्ट से आपको इंटरेस्ट मिलता है तो एक साल में वो 13,000 रुपीज़ कितना हो जाएगा। तो यही सवाल है दोस्तों, इसका आंसर है जो है 13260। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100।
तो इसको जब इस फॉर्मूले के ऊपर पूरे वैल्यूज रखेंगे तो 260 जो है इंटरेस्ट आ जाएगा, और इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के अंदर जोड़ देंगे, 13,000 प्लस 260 तो 13,260 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 1 फुट इज इक्वल टू कितने इंच होता है, तो 1 फीट जो है कितनी इंच के बराबर है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है 12, तो 12 इंचेज इज इक्वल टू 1 फुट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्मिता वीव्स 25 बास्केट्स इन 35 डेज, इन हाउ मैनी डेज विल सी वीव 110 बास्केट्स। दोस्तों इसमें पूछ रहे हैं, तो स्मिता क्या करती है कि वो बुनाई करती है, 25 बास्केट बुनती है वो 35 दिन के अंदर, तो वो कितने दिन में जो है 110 बास्केट बुनेगी। तो दोस्तों इसको जो है अगर सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 154। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, एक बास्केट का वीविंग टाइम निकल जाएगा 35/25, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 110 के लिए तो 110 × 35/25 तो 154 डेज आ जाएगा। इसको आप लोग अपने कॉपी के अंदर पक्का सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करीम रैंक 16th फ्रॉम द टॉप इन ए क्लास ऑफ 49 चिल्ड्रेन, व्हाट विल बी ही रैंक फ्रॉम द बॉटम। तो दोस्तों 16th अगर जो है टॉप में है 49 चिल्ड्रेन के, उसमें तो आपको पता है कि इसको जब बॉटम से निकालेंगे तो जो टोटल जो है चिल्ड्रेन है माइनस जो है टॉप से रैंक प्लस 1 करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 34। अगला क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज स्क्यू इज रिटन एज POCY, हाउ विल मस्ट बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो दोस्तों जो है इसमें कोड लैंग्वेज को जो है इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो इसका वैल्यू JYQE है, इसको इसके अंदर सॉल्व करके दिखाया गया है। तो SQ जो है इसको जो है पी जब POCY निकाला गया है तो इसमें S के अंदर 3 माइनस किया गया है 3 लेटर्स को, K में 4 लेटर को नेक्स्ट प्लस किया है, फिर उसके बाद 2 माइनस किया, फिर 2 प्लस किया है। तो इसी फार्मूले से जब मस्ट को निकालेंगे तो आपका आ जाएगा JYQV। विच नंबर इज रॉन्ग इन द गिवन सीरीज, इसमें कौन सा नंबर है जो रॉन्ग है, गलत है, इस सीरीज के अंदर जो नंबर दिए गए हैं उसमें कौन सा नंबर गलत है, तो इसको आपको निकालना है। तो दोस्तों 3, 5, 8, 11, 27, 17, 23, तो दोस्तों 3 और 5 के बीच में अगर हम गैप देखते हैं तो 2 का गैप है, फिर 5 और 8 के बीच में 3 का गैप है, तो 8 और 11 के बीच में दोबारा 3 का है, और 11 और 17 के बीच में फिर 6 का गैप हो गया है। तो दोस्तों ये यहीं पे गड़बड़ लग रही है, इसलिए हम देखते हैं करेक्ट आंसर कौन सा है। करेक्ट आंसर दोस्तों 11 है, 11 की जगह पे 4 का गैप होना चाहिए, 12 होना चाहिए, और 12 के बाद फिर 5 का गैप, तो 12.5 17 हो जाएगा, उसके बाद 17 के बाद दोबारा 6 का गैप, तो इसका मतलब 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से गैप बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह की सीरीज दोस्तों बहुत सारी क्वेश्चंस आएंगे आपको, तो इसी तरह से इनको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अरुण सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ माई मदर्स ग्रांड सन, हाउ इज अरुण रिलेटेड टू द लेडी। दोस्तों अरुण बोलता है कि ये जो लड़की है ये मेरी मदर की ग्रांड सन की बीवी है, तो मदर का ग्रांड सन का मतलब हो गया कि वो अरुण का लड़का हो गया। तो अरुण का जब लड़का है, जब उसकी वाइफ है, तो वो जो है उस लेडी का क्या होगा, फादर इन लॉ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए पर्सन वॉक्स 2 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट, देन ही टर्न्स टूवर्ड्स साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स, देन ही टर्न्स वेस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स, आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर्स अवे, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। दोस्तों ये बोल रहा है कि एक आदमी पहले जो है ईस्ट की तरफ वॉक करता है उस 2 किलोमीटर के लिए, उसके बाद वो जो है साउथ की तरफ वॉक करता है 5 किलोमीटर, फिर उसके बाद वो दोबारा मुड़ता है वेस्ट की तरफ और दोबारा 2 किलोमीटर वॉक करता है, और उसके बाद वो दोबारा नॉर्थ की तरफ टर्न होता है और सीधा 9 किलोमीटर वॉक करता है। तो वो जो है क्या करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसका उससे कितना दूर होगा। तो दोस्तों आप इस फिगर में देखेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको डायरेक्शंस लिख करके दिए हुए हैं दोस्तों, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस तरह से डायरेक्शंस होते हैं मैप के ऊपर, या कहीं भी लिखते हैं तो उसके ऊपर इसी तरह से दर्शाए जाते हैं। तो फिर अगर आप सबसे पहले देखें स्टार्ट पॉइंट से, वो ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर गया, फिर दोबारा साउथ की तरफ जो है वो 5 किलोमीटर गया, फिर दोबारा वो मुड़ा वेस्ट की तरफ, फिर 2 किलोमीटर गया, तो उसके बाद दोबारा से वो 9 किलोमीटर ऊपर जाएगा, तो फिर वो 5 किलोमीटर जो साउथ की तरफ गया था स्टार्टिंग पॉइंट से, उतना ही डिफरेंस खाली जो है वो उतना कट जाएगा,
तो वहाँ स्टार्ट पॉइंट से वो 9-5 टोटल 4 किलोमीटर खाली वो ट्रेवल कर रहा है। इस तरह से दोस्तों आप मैप बना करके सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों यहीं पे अपनी आज की ये सीरीज़ ख़त्म होती है और आप जो है इसी तरह से जो है इनको सारे के सारे वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ उनको देखते जाइए, इनको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि जो है आपको जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ साथ दोनों मिल करके भाई दोस्तों जो है हम करेंगे, हर एक सीरीज को सॉल्व करेंगे, नई नई सीरीज रोज लाएंगे और आपको पूरी तरह से जो है आपकी तैयारी कराएंगे ताकि अग्निवीर का जो अभी टेस्ट होने वाला है इसमें आप बहुत अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करें और आप एक लायक जो है सोल्जर सिपाही बने और देश के और देश में देश की जो अखंडता एकता है उसको बनाने में बनाए रखने में अपनी भी जिम्मेदारी जो है उसमें शामिल करें। आपको धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।